तो हेलो गाइस, कैसे हो सबके सब। आई होप आप सभी होंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर, जिसका नाम है रेसिंग रफ्तार। तो गाइस, आज का जो वीडियो है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करना। आज के हमारे वीडियो का लाइक टारगेट है 99 लाइक्स। ओके, 99 लाइक आप सभी को कंप्लीट करवाने हैं एंड ओनली 70 कमेंट्स आप सभी को कंप्लीट करवाने हैं। तो प्लीज यार, जरूर से इन सबको कंप्लीट करवा देना। तो आप सभी ने क्या फ्री फायर खेला है? अबे साले, मतलब यार ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आप सभी से। आप सभी ने फ्री फायर जरूर से खेला होगा। तो गाइस, आज मैं आप सभी के लिए इन सब गेम्स के मोड लेके आया हूँ, मतलब माइनक्राफ्ट में आप सभी इन गेम्स को ट्राई कर सकते हो। तो हम शुरुआत करेंगे फ्री फायर से। आप में से कितने लोगों ने फ्री फायर खेला यार? देखो, मैंने तो खेला था, लेकिन मैं इतना अच्छा नहीं खेलता था। क्या आप सभी अच्छे खेलते थे? क्या आप अभी भी फ्री फायर खेलते हो? ये कमेंट करना जरूर से, मुझे बताना कौन कौन। मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन फ्री फायर खेलता है अभी भी। बात तो सही है। तो गाइस, आप सभी को पता है फ्री फायर एक बैटल रॉयल गेम है। आपको काफी ज्यादा मजा आता है, दूसरे बंदे को मारना पड़ता है। लेकिन आप सभी मेमोरी की वजह से या फिर आप सभी माइनक्राफ्ट के बहुत तगड़े वाले फैन हो, इसकी वजह से फ्री फायर नहीं खेल पाते होंगे यार। लेकिन क्या हो गाइस, आप अपने माइनक्राफ्ट के अंदर फ्री फायर खेल पाओ? मुझे पता है आप सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो इस बात को सुनने के लिए। तो गाइस, मैं आप सभी के लिए आज एक ऐसा मोड लेके आया हूँ, उस मोड को यूज करके आप माइनक्राफ्ट के अंदर फ्री फायर खेल सकते हो। एंड ये कोई ऐसा वैसा मोड नहीं है कि यार आप कोई वर्ल्ड डाउनलोड कर लो एंड गन एडोन डाउनलोड कर लो एंड खेल लो, ऐसा नहीं है गाइस। ये एक रियल फ्री फायर मोड है। इसके अंदर आप सभी को मिलता है कस्टम मैप, जो बिल्कुल फ्री फायर के मैप्स के जैसे बनाया गया है। इसके अंदर आप सभी को जो क्लॉक टावर होता है एंड जो फैक्ट्री होती है, इससे काफी सारे मैप्स मिल जाएंगे, उनमें आप सभी प्ले कर सकते हो। इसके अलावा आप सभी भी स्क्रीन पे जो देख रहे हो, ये इसकी लॉबी, आप सभी को यहाँ पर लॉबी मिलेगी एंड यहाँ पर आप सभी साउंड भी ऑन कर सकते हो। एंड ये साउंड ऐसे वैसा नहीं, ये फ्री फायर का साउंड है एकदम। गाइस, अगर आप सभी इस मोड को प्ले करना चाहते हो तो यहाँ पर आप सभी को कोने के अंदर जाना पड़ेगा। अब ये मत पूछना ये कोने के अंदर क्यों जा रहे हो, मेरे को नहीं पता। तो गाइस, यहाँ पर आप सभी को काफी सारे मोड मिल जाते हैं। जैसे आप फ्री फायर में ट्रेनिंग खेल सकते हो, तो आप इस वाले मोड में भी ट्रेनिंग खेल के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा उसमें क्लैश स्क्वाड मोड होता है, क्लासिक मोड होता है, बॉम्ब स्क्वाड होता है, ऐसे करके बहुत सारे मोड आप सभी को मिलता है। एंड इसमें एक अलग सा मोड है जो आप सभी को आगे बताऊंगा मैं। तो गाइस, आप देख लेते हैं क्लासिक मोड का गेम प्ले। देख सकते हो ये इसकी लोबी है, यहाँ पर काफी सारे बंदे खड़े हैं। देख सकते हो आप सभी, यहाँ पर काफी सारे बंदे खड़े हैं, जब इनको मारते हो तो अलग ही टाइप की आवाज निकालते हैं यार। यहाँ पर आप सभी को मिलता है एक स्कोर बोर्ड, यहाँ पर एक स्कोर बोर्ड भी है भाई, कमाल का मैप है। एंड देख सकते हो ये बंदे, मतलब जैसे आप सभी अपनी लोबी में जाते हो तो वहाँ पे 50 बंदे होते हैं ना, ये वैसे बंदे हैं, लेकिन मेरे को पता नहीं विलेजर्स है, लेकिन वैसे ही बंदे ही है। अब देख सकते हो यहाँ पर हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है, हम लोग एक प्लेन के अंदर आ चुके हैं। एंड ये लिखा है, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, मुझे नहीं पता। तो हम आ गए एक प्लेन के अंदर, यहाँ से हमें नीचे की तरफ जंप करना होगा। तो गाइस, यहाँ से हमको जंप करना होगा एंड ये बटन दबा के मैं यहाँ से बाहर निकलना है। तो गाइस, इस वाले माइनक्राफ्ट के अंदर बैठ के आप सभी को यहाँ से बाहर निकलना होता है। एंड ये थोड़ा सा अजीब है, लेकिन आप सभी को ऐसे लगेगा जैसे आप उड़ रहे हो। देख सकते हो आपकी लैंडिंग है ये, आपको उसमें पैरासूट नहीं मिलता, आप सभी को ऐसे ही लैंडिंग करनी पड़ती है इसके अंदर। गाइस, नीचे आने के बाद आप सभी को गन ढूंढनी है। देख सकते हो यहाँ पर आप सभी को छोटी मोटी चेस्ट मिलती है, उसके अंदर आप सभी को गन ढूंढनी है एंड बंदों को मारना है। यहाँ पर काफी सारे बंदे आप सभी को डोलते हुए मिल जाएंगे, घूमते हुए मिल जाएंगे, आप सभी को उनको मारना है एंड इस गेम को विन करना है। इसके अलावा अगर आप सभी को क्लासिक मोड पसंद नहीं है तो आप क्लैश स्क्वाड भी खेल सकते हो। इसके अंदर आप सभी को क्लैश स्क्वाड का मैप भी मिल जाता है, अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो, बिकॉज ये मल्टीप्लेयर को सपोर्ट करता है। गाइस, क्लैश स्क्वाड के लिए आप सभी को उसमें मिलता है क्लॉक टावर वाला मैप, आप सभी देख सकते हो ये कमाल का मैप है। एंड यहाँ पर आप सभी अपने फ्रेंड लोगों को बड़ा ही गंदा मार सकते हो, या फिर वो भी आप सभी को मार ही सकते हैं। एंड जो लास्ट मोड आप सभी को बताने वाला हूँ, ये काफी इंटरेस्टिंग मोड है यार इसका। इस वाले मोड में आप सभी को इस वाले एनिमी को हराना होगा, आप सभी कौन सी भी गन ट्राई कर सकते हो उसको हराने के लिए। एंड ये बड़ा ही गंदा मारता है जब आप सभी को मारता है, लेकिन आप सभी इसको मारते हो, आप जीत जाते हो, तो आप सभी को कुछ ये सब सुनने को मिलता है। ये क्या है? तो है ना यार, ये काफी इंटरेस्टिंग है एंड ये सुनने में थोड़ा अजीब भी लगता है। भाई ये क्या बोल रहा है, मुझे नहीं पता क्या बोल रहा है। लेकिन अगर आप सभी इनको हरा देते हो तो लास्ट में ऐसा भी लिखा हुआ आता है बुइया, जैसे फ्री फायर में होता है ना बुइया, वैसे वो भी लिखा हुआ आता है इसमें अंदर। तो गाइस, मुझे कमेंट करके जरूर से बताना फ्री फायर मोड आप सभी को कैसा लगा। अब आप सभी बोल रहे हो भाई इसको डाउनलोड कैसे करना है, तो बिल्कुल ईजी, आप सभी डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहां पर आप सभी को लिंक मिल जाएगा, आप इजिली डाउनलोड कर सकते हो एंड यूज भी कर सकते हो। तो गाइस, अब चलते हैं वीडियो में आगे एंड हम ट्राई करते हैं पबजी मोड। तो गाइस, मुझे पता है काफी लोगों को फ्री फायर
पसंद है एंड काफी लोगों को पबजी पसंद है। तो यार फ्री फायर का नाम ले लिया एंड पबजी का नाम नहीं लिया, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, पबजी भी आएगा ना। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, पबजी के लिए मेरे को कोई ऐसे पर्सनली कोई मोड मिला नहीं है, लेकिन मैंने काफी ज्यादा कोशिश की आप सभी के लिए। मैंने सोचा यार आपके लिए मैं सब कुछ करता हूं, तो आपके लिए मेरे को कोई मैप भी ढूंढना पड़ेगा। तो गाइस मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं पबजी टीडीएम मैप, जो आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आएगा। लेकिन इसकी जो गन्स थी ना वो मेरे को इतनी पसंद नहीं आई, क्योंकि वो ऐसे नॉर्मल गन्स थी। तो गाइस मैंने इसमें एक्चुअल गन्स एड ऑन अप्लाई करके देखा एंड वो इसमें इतना अच्छी तरह से वर्क किया, तो ये एकदम टीडीएम मैप बन चुका है। एंड ये थोड़ा सा पुराना मैप है, अगर आप सभी को कमांड ब्लॉक की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है ना तो आप इस मैप को ठीक कर सकते हो, एंड नहीं है तो आप सभी डायरेक्ट मैप के अंदर जाना है, वहां पर अपना एक स्पॉन लोकेशन सेट कर देना, उसके बाद अपने फ्रेंड को बुलाओ एंड उनको गंदा वाला पीट सकते हो आप इसके अंदर। एंड जो इसकी गन्स है ये एकदम जो पबजी गन्स है ना वैसी लगती है, एंड इसका आप देख सकते हो आप गेम प्ले में, आप सभी को थोड़ा बहुत दिखाने वाला हूं। ओके, इसके अंदर गन एड ऑन भी आप सभी को मिलता है, जो मुझे पर्सनली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। तो मैं आप सभी को एक नया गन मोड भी दे रहा हूं, यह है एक्चुअल गन मोड। एंड जब मैंने इस वाले गन मोड को इस वाले टीडीएम मैप के साथ खेला तो भाई मेरे को बहुत ज्यादा मजा आया। आप सभी भी गेम प्ले देख रहे हो, ये कितना अच्छा है, ये जो एक्चुअल गन्स है ना इसमें इतनी अच्छी तरह से सपोर्ट किया इस मैप को, एंड आप सभी देख सकते हो ये बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। एंड आई डोंट नो पता नहीं कैसे कर रहा है, एंड इसकी गन्स आप सभी देख सकते हो एकदम रियल लगती है, एंड पबजी गन्स भी आप सभी को इसके अंदर सारी गन्स मिल जाएगी। तो आप सभी इसको मल्टीप्लेयर खेलो, इसमें दिक्कत है लेकिन भाई इतना बुरा नहीं है, आप सभी जरूर से ट्राई कर सकते हो। एंड एक्चुअल गन एड ऑन अप्लाई करने के बाद तो इसके क्या कहने, इसके कोई कहने ही नहीं, आप सभी देख सकते हो यार कितना अच्छा ही है। अब मुझे ये बात बोलना भाई पबजी वालों कि यार मेरे हमारे लिए खराब मैप ढूंढ दिया, नहीं भाई ये एक टीडीएम मैप मुझे मिला था। अगर आप सभी के पास कोई पबजी मैप है, मतलब क्लासिक या फिर बैटल रॉयल जो पूरा मैप होता है वो है, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। मुझे जो टीडीएम मैप मिला ये बहुत अच्छा मैप है एंड ये सबसे अच्छा टीडीएम मैप है। तो गाइस अब मैं आप सभी को थोड़ा बहुत इसका गेम प्ले भी दिखा देता हूँ, जो हमने रिकॉर्ड किया है मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर, आप सभी देख सकते हो। तो मैंने इन लोगों को काफी गंदा वाला पीटा भी इधर लाके, आप सभी देख सकते हो, वैसे मैं खुद भी मरा हूँ, लेकिन ये गन सेट ऑन अप्लाई करने के बाद ये मैप एकदम बहुत अच्छा बन गया। अब आप सभी मजे ले सकते हो पबजी का, बहुत ही अच्छा मैप है, आप सभी एक बार जरूर से ट्राई करना। अब बात करते हैं डाउनलोड किस तरह से करना है, तो लिंक अंदर डिस्क्रिप्शन, आप सभी इजिली इसको डाउनलोड कर सकते हो एंड प्ले भी कर सकते हो। तो यार हम लोगों ने फ्री फायर और पबजी के बारे में बात कर ली, अब बात करते हैं सीओडी यानी कॉल ऑफ ड्यूटी के बारे में। तो गाइस ये भी एक कमाल का गेम है, आप सभी को पता है एंड काफी सारे लोग इसको भी खेलते हैं। तो हम दो गेम्स के बारे में बात करें, इसको भूल जाए ऐसा कैसे हो सकता है, हम इसको नहीं भूलने वाले भाई। ओके, तो काफी सारे लोग खेलते हैं तो वो लोग बुरा ना मान जाए, ऐसी बात नहीं है। मैं आप सभी को बता दूं, मैं एक ही वीडियो में सारे ऐसे बैटल रॉयल गेम्स को एक साथ लाना चाहता था, इसलिए मैंने सीओडी को भी ले लिया है। ठीक है, यह है कॉल ऑफ ड्यूटी मैप, आप सभी देख सकते हो। तो मैंने आप सभी को दिया है इसके अंदर एक कस्टम मैप, ये बहुत अच्छा मैप है, आप इस मैप को ट्राई कर सकते हो एंड अपने दोस्तों के साथ इस मैप में आप सीओडी खेल सकते हो, मतलब माइनक्राफ्ट के अंदर सीओडी खेल सकते हो। रियली गाइस ये कमाल का है, एंड इसके लिए मैं आप सभी को अलग से कोई गन एड ऑन नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज इसके अंदर ही गन एड ऑन मिल जाते हैं, ये काफ़ी अच्छी गन्स है एंड जितने भी सीओडी की गन्स है ना वो सब आपको इसके अंदर मिल जाएगी। जैसे रॉकेट लॉन्चर है वो भी आप सभी को इसके अंदर मिल जाएगा एंड ये इतना परफेक्टली वर्क करता है, दिखने में ऐसा लगता है भाई सच में आप सभी किसी रॉकेट लॉन्चर को यूज़ कर रहे हो। एंड जो छोटी मोटी जितने भी गन्स है ना, जैसे शॉर्ट गन्स हो गई, स्नाइपर्स हो गई, ओके, और फिर जो एसएमजी गन्स हो गई ना, वो सारी गन्स आप सभी को इसके अंदर मिल जाती है। आप सभी ये गेम प्ले देख सकते हो जो मैंने रिकॉर्ड किया है, ये गन एड ऑन प्लस इस वाले मैप का गेम प्ले, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। तो पर्सनली यार सीओडी मैप मेरे को मिला नहीं था कोई, तो मैंने आप सभी को एक कस्टम मैप दे दिया है, आप इस मैप में सीओडी एड ऑन को अप्लाई करके अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो एंड उन लोगों की अच्छी वाली कुटाई कर सकते हो। हाँ, इसके अलावा जो प्लेयर्स होते हैं, जो आप सभी को पता है सीओडी के अंदर आप खेलोगे तो प्लेयर्स भी होते हैं, वो आपको इसके अलग से मिल जाते हैं इसके अंदर, जो फ्री फायर में भी होते हैं, लेकिन मेरे को पबजी मोड में कोई मिला नहीं था ऐसा, लेकिन इसके अंदर भी होते हैं, आप सभी देख सकते हो। इसके अंदर हेलीकॉप्टर्स, आप सभी टैंक भी चला सकते हो, ओके, टैंक के अंदर बैठ के आप बंदे भी पहल सकते हो। इसके अलावा हेलीकॉप्टर होते हैं एंड काफ़ी सारे बंदे आप सभी खुद देख सकते हो, ये आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सब इस एड ऑन के अंदर ही आप सभी को मिल जाते हैं। एंड गन भाई बड़ी अच्छी अच्छी गन्स इनके अंदर, आप सभी जरूर से ट्राई कर सकते हो उन गन्स को। तो गाइस सीओडी मोड आप
सभी के लिए मैंने दे दिया, आप सभी देख सकते हो ये बहुत अच्छा मैप है। आप सभी ट्राई, मैप बड़ा अच्छा है एंड एड ऑन भी बड़ा अच्छा है, तो दोनों को अगर आप कंबाइन करोगे तो ये एक फुल सीओडी मैप बन जाता है या फिर सीओडी एड ऑन बन जाता है अगर आप दोनों को एक साथ कंबाइन करके देखते हो। अब तक हम लोग तीन मोड देख चुके हैं, फ्री फायर, पबजी एंड सीओडी, तो अब लास्ट मोड के बारे में बात करते हैं। क्योंकि आप सभी फोर्टनाइट खेलते हो, मेरे को पता है काफी सारे बंदे नहीं खेलते होंगे बिकॉज वो मोबाइल के लिए है भी नहीं एंड पीसी में काफी बंदे नहीं खेलते, मुझे नहीं पता खेलते हो नहीं खेलते, आप खेलते हो गए मुझे पता नहीं, आप सभी कमेंट करके बताओ। लेकिन यार मैं आप सभी के लिए फोर्टनाइट एड ऑन भी लेके आ गया हूं, तो गाइस इसके अंदर आप सभी को मैं आप सभी को देने वाला हूं इसका ही आप सभी को मैप, मतलब फोर्टनाइट का ही मैप मैं आप सभी को देने वाला हूं। तो ये बड़ा अच्छा मैप है, आप सभी जरूर से ट्राई कर सकते हो फोर्टनाइट मैप को। ओके, इसके अंदर आप सभी को मैप मिल जाता है एंड जो इसका एड ऑन है ये मेरे को बहुत अच्छा, इसके अंदर आप सभी को ग्रेनेड मिल जाते हैं, आप सभी कस्टम ग्रेनेड तैयार कर सकते हो एंड आप सभी को जो मैड किट होते हैं वो भी आप सभी को इसके अंदर मिल जाती है एंड गन्स बस जितने भी फोर्टनाइट गन्स है ना वो सब इसके अंदर मिल जाती है। इसके अलावा आप सभी को पता है जो फोर्टनाइट होता है उसके अंदर आप चीज़ें तोड़ भी सकते हो, मतलब जैसे आप चीज़ें लगा भी सकते हो, चीज़ें बना भी सकते हो, चीज़ें को तोड़ भी सकते हो, क्रिएट भी कर सकते हो, ओके कस्टमाइज काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो, तो वो भी आप सभी इस एड ऑन की मदद से कर सकते हो। ये बहुत अच्छा एक फोर्टनाइट एड ऑन है, तो आई थिंक आप सभी को जरूर से पसंद आएगा। तो यार इतने सारे मोड अब तक हमने देख लिया, जिनमें से आप सभी का पर्सनल फेवरेट मोड इनमें से कौन सा लगा, इसके अलावा भी आपके पास कोई मोड है तो आप मुझे जरूर से बता सकते हो। तो यार मैं बताऊं तो मैं इनको नंबर देना चाहता हूं, मतलब 1, 2, 3, 4, तो गाइस पहले नंबर पे मैं रखूंगा फ्री फायर मोड को बिकॉज फ्री फायर मोड सबसे बेस्ट है इसमें। ओके, उसके बाद मैं बात करूंगा पबजी की, तो पबजी उससे अच्छा है, फिर मैं बात करूंगा फोर्टनाइट मोड की, फोर्टनाइट मोड उससे भी अच्छा है, मतलब उससे अच्छा नहीं लेकिन तीसरे नंबर पे बनता है वो एंड लास्ट में पर रखेंगे सीओडी, क्योंकि सीओडी मेरे को इतना भी अच्छा नहीं लगा सीओडी मोड। एंड अगर इनमें से आपके पास कोई सीओडी मोड है अलग से अच्छा वाला तो आप मेरे को बता सकते हो, मेरे को नहीं मिला भाई। ओके, आज इस वाले वीडियो हमने काफ़ी सारे मोड देखे, आपको कौन सा मोड अच्छा लगा आप सभी कमेंट करके मेरे को जरूर से बताना एंड आज का लाइक टारगेट एंड कमेंट टारगेट जरूर से कंप्लीट करवा देना बिकॉज वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, वीडियो गेम प्ले रिकॉर्ड किया है, उसके अलावा जो हमने आई डोंट ढूंढे हैं ये आई डोंट भी बड़े मुश्किल से मिले हैं मुझे, तो आप सभी एक लाइक करके मेरे को जरूर से बताना यार कि आप सभी को कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा। अगर आप लाइक करोगे तो मैं समझ जाऊंगा भाई वीडियो आप सभी को अच्छा लगा, कमेंट करोगे तो कमेंट में आप सभी मुझे अपना बता सकते हो कि आपको लगा कैसा यार। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना इसको एंड सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। तो गाइस मैं बोलूंगा आप सभी को नेक्स्ट माइनक्राफ्ट मोड के साथ जो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।